हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त और बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्तों, किया सेल्टॉस को लेकर एक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आई है और ये सब चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा। पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी न्यूज पाने के लिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ हम शुरू करते हैं किया सेल्टॉस से दोस्तों। तो सेल्टॉस का जो है नया मॉडल आने वाला है और इस मॉडल में दोस्तों हमें कई चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं फुटेज में दिखाने की कोशिश करूँगा जिसकी स्पाई शॉट्स हैं वो कैमोफ्लैग में ही हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले मैं देखूंगा तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिल्स चेंज आपको मिलेगी, लोअर बम्पर लिप आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, हेडलाइट में आपको सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हेडलाइट में क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो DRLs हैं हो सकता है इनकी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट हो दी जाए। और जो प्रोजेक्टर है दोस्तों इस बार मिलेगा आपको टॉप मॉडल में LED के साथ, ये कंफर्म है दोस्तों। इस बार आपको बेस मॉडल में भी LED मिलेगी और टॉप मॉडल में LED प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका फोग लैम्प है वो जैसा है वैसा ही देखने मिलेगा, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंजेस किए जाएँ। वहीं ओवरऑल डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो डायमेंशंस को लेकर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रहने वाले। साइड लुक्स में अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ सबसे आपको अलॉय व्हील डेफिनेटली यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। इस बार आपको टॉप मॉडल में 18 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, इस बार आपको इस यहाँ पे 18 इंचेस के रिम देखने को मिलेंगे। साथ में इसकी जो ग्राउंड क्लीयरेंस होने वाली है दोस्तों, पहले के जो इस जनरेशन की जो सेल्टॉस आ रही है उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है ग्राउंड क्लीयरेंस को लेकर थोड़ा बहुत लोगों को कंप्लेन थी। इस बार आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस दिखने वाली है 200 से अबव होगी इसमें। अब वहीं चलते हैं हम रियर की तरफ। तो रियर में दोस्तों आपको यहाँ पे जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बम्पर में अगर आप देखेंगे तो बम्पर में यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन में चेंजेस देखने को मिलेगा। बम्पर की जो रियर बम्पर के नीचे की लिप है वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। अब ऊपर वहीं टेल सेक्शन में अंदर चलो तो टेल लाइट में वहाँ पर डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलने वाला है। खासकर टेल गेट पे जो नंबर प्लेट पे वहाँ पे आपको हो सकता है क्रोमिंग की जगह पे एक रेड लाइट की स्ट्रिप दे दी जाए, ब्रेक लाइट वाली, मुझे यही लगता है। और जो पहले की लाइट होंगी वो और भी थोड़ा शार्प होंगी। वहीं इसकी इंटीरियर की तरफ हम बात करें तो इंटीरियर में दोस्तों हमें सबसे बड़ा चेंज मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। वहां पर हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिस तरह किया कैरेंस में आ रहा है सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। दूसरा जो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ में दोस्तों, जिसकी वजह से किया सेल्टॉस की सेल डाउन हुई क्रेटा के आने के बाद, तो डेफिनेटली इस बार हमें सेल्टॉस में जो है पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों नॉर्मल जो सनरूफ वाला मॉडल है वो हमें हो सकता है कंटिन्यू मिडिल मॉडल्स में मिलता रहे, जो कि मेरे ख्याल से किया की तरफ से अच्छा डिसीजन रहेगा। अब यहाँ पे मैं सबसे बड़ा चीज चेंज होगा ये मैं बात करूँ सेफ्टी के रिगार्डिंग और फीचर्स में, तो यहाँ मैं सबसे पहले उठाऊंगा सेफ्टी पे। तो सेफ्टी में दोस्तों इस बार हाई स्ट्रेंथ स्टील का उपयोग यहाँ पे बॉडी में ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल किया जो है बहुत ही 3 स्टार को लेकर के बहुत ही क्रिटिसाइज हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ स्टील की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और स्टैंडर्ड वेरियंट से, मतलब जो बेस वेरियंट है इनका, बेस वेरियंट से हमें 6 एयर बैग देखने को मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी जो है किया की तरफ से। तीसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज होना है ADAS। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, इस बार हमें ADAS का भी फीचर्स गाड़ी में देखने को मिलेगा। और ADAS में हमें 3 फीचर्स तो कन्फर्म है दोस्तों, हो सकता है मिल जाए, हो सकता नहीं मिलेगा ही, और वो मैं बता देता हूँ। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 3 फीचर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाले हैं और ये मेरे ख्याल से किया की तरफ से बहुत बढ़िया डिसीजन होगा इस गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी के आते मुझे लगता है कि अब जो है वेटिंग पीरियड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वहीं मैं इंजन पे, मैं यहाँ पे रिगार्डिंग में बात करूँ तो इंजन हमें दोस्तों जो तीनों इंजन मिलते हैं, 2 पेट्रोल में और 1 डीजल में, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वो हमें देखने को मिलेगा और सेम ट्रांसमिशन के साथ ही देखने को मिलेगा जैसे अभी आ रहा है। और सेकंड जो हमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट देखने को मिलती थी वो भी सेम ही देखने को मिलेगा, सेम ट्रांसमिशन के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ डीजल में यहाँ पे चेंजेस किया जाएगा, डीजल इंजन जो हमें देखने को मिलेगा सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ जो ट्रांसमिशन इस बार होने वाला है वो एक और ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा, IMT का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और हो सकता है दोस्तों हमें इसमें मैनुअल ऑप्शन देखने को ना मिले, सिर्फ IMT देखने को मिले और ऑटोमेटिक देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि दोस्तों जो डीजल के क्लच होते हैं वही हैवी होते हैं और IMT एक जो है जो ऑटोमेटिक जिनको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपये ज़्यादा देना कहीं जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, तो ये थोड़ा कम में और बढ़िया ऑप्शन रहेगा लोगों के लिए। तो ये किया की तरफ एक अच्छा मूवमेंट है और मेरे ख्याल से हुंडई को भी यही करना चाहिए और हर कंपनी को सोचना चाहिए कि IMT भी जैसे फीचर लाएँ, क्योंकि बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, क्योंकि जिसमें जो है मैनुअल का जो मज़ा बिना क्लच के
मिलता है, तो इसलिए ये फीचर बढ़िया लगता है मुझे तो। अब वहीं अगला इसके लॉन्च डेट और प्राइस की मैं बात करूँ, तो लॉन्च की मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, लॉन्च जो होने वाला है मई में डेफिनेटली इस बार हमें गाड़ी देखने को मिल जाएगी ये अप्रैल से मई के बीच। और जो प्राइस होने वाली है दोस्तों डेफिनेटली एक्सपेंसिव ही रहने वाली है, और जो बेस मॉडल का स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से जो करंट बेस मॉडल है उससे लगभग 20 से 30,000 रुपये ज़्यादा प्राइस होगी, और जो टॉप मॉडल की जो प्राइस होगी लगभग 1,00,000 रुपये तक ज़्यादा हो सकती है, 1 से 1.5 लाख रुपये तक। तो बस अभी देख लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।